हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शनिवार और हम आए हैं काली मंदिर, जहां हमारी काली माता जी रहती हैं और हमारे यहां पर शनि महाराज जी भी मिलेंगे और भी कई सारे यहां पर भगवान जी होंगे। तो हम आप सभी को उन सभी भगवान के दर्शन कराएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आप सभी को सारा नज़ारा दिखाएँगे। यहाँ से आप सभी तेल की शीशी ले सकते हैं, जिससे आप हमारे शनि महाराज जी, हमारी काली माता जी को आप चढ़ा सकते हैं और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, जो आप अंदर चढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, तो आप ख़रीद के अंदर काली माता जी को चढ़ाइए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की ओर और आप सभी को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। कितने भक्तजन आए हैं यहाँ पर। आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु आए हैं। आज शनिवार का दिन है, इसलिए यहाँ पर भीड़ है। वैसे इतनी भीड़ अभी भी नहीं है, नहीं तो पहले काफ़ी भीड़ होया करती थी, क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद इतनी भीड़ अभी नहीं होती है। तो अभी इसलिए आप सभी के भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, तो आप सभी भी आकर यहाँ पर अच्छे से काली माता जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना मांग कर यहाँ पर अपनी मनोकामना चुन्नी बांधी है। तो आप सभी भी आकर यहाँ पर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और यहाँ पर आकर चुन्नी बांध सकते हैं। मैं बस कुछ क्षणों में मैं आप सभी को हमारी काली माता जी के दर्शन कराऊंगा, तो देखते रहिए हमारी वीडियो और वीडियो के माध्यम से आप सभी भी काली माता जी के दर्शन कीजिए। अंकल जी हो रहा है दर्शन। आप सभी भी काली माता जी के दर्शन कीजिए। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त इस वीडियो के माध्यम से हमारी काली माता जी के दर्शन कर सकें। देखिए कितने सारे भक्तजन यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो आप सभी भी आइए यहाँ पर आके भगवान जी को प्रसाद चढ़ाइए। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर और भी आपको कई सारे भगवान जी हैं, उन सभी के आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो ये भी हमारी काली माता का एक और रूप है, तो आप सभी भी इनके दर्शन कीजिए। और ये हमारे प्रिय हनुमान जी हैं, तो आप सभी इनके भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमारे राम भगवान जी, हमारे लक्ष्मण भगवान जी और हमारे सीता माता जी है, तो आप सभी इनके भी दर्शन कीजिए। अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, तो आप हमारे गणेश भगवान जी, हमारी लक्ष्मी माता जी और भी कई सारे भगवान जी हैं, तो आप सभी इन सभी भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमारी सरस्वती माता जी भी हैं, तो आप इनके भी दर्शन कीजिए। मैं आपको यहाँ पर सारे भगवान के दर्शन कराऊंगा। ये हमारे साईं बाबा जी, तो आप भी इनके दर्शन कीजिए। ये हमारा प्राचीन मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसका लोकेशन और इसका एड्रेस मैं आप सभी को थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये मंदिर हमारा कहाँ पड़ता है और कहाँ है, तो आप सभी भी आकर यहां पर दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
ये हमारे श्री बबोसा भगवान जी हैं, इनके भी आप सभी दर्शन कीजिए। यहाँ पर काफ़ी तरह के भगवान जी हैं, तो मैं आप सभी को यहाँ पर सारे भगवान के दर्शन करा रहा हूँ, तो आप सभी भी इनके दर्शन कीजिए। हम आ चुके हैं शनि महाराज जी के पास, तो आप सभी भी हमारे शनि महाराज जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमारे देवों के देव महादेव हैं, तो आप सभी हमारे देवों के देव महादेव यानी कि शिव भगवान जी के दर्शन कीजिए। अब चलते हैं बाहर की ओर और आप सभी को बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे, और भी कई तरह के भगवान हैं तो आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर हमारी काली माता के अनेकों रूप हैं, तो आप सभी यहाँ पर उनके दर्शन कीजिए। अब हम आ चुके हैं शनि महाराज जी के पास, जहाँ पर उनको तेल चढ़ाया जाता है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहीं पर उनको तेल चढ़ाया जाता है, तो आप सभी भी यहाँ पर आके तेल चढ़ा सकते हैं हमारे शनि महाराज जी को। देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर तेल चढ़ा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, देखिए तेल चढ़ा रहे हैं। आप सभी भी हमारे शनि महाराज जी के दर्शन कीजिए। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, और यहाँ भी देखिए आप सभी हमारी काली माता जी की दिव्य ज्योति लिंग को यहाँ पर तेल चढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारी दिव्य ज्योति जलती रहे। आप सभी देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर भी तेल चढ़ा रहे हैं। अगर आप सभी भी यहाँ पर लाइव आरती देखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो यहाँ पर रोज़ आरती की जाती है, वैसे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आरती होती है और एक शाम को 6:30 बजे आरती की जाती है, लेकिन शनिवार को मॉर्निंग में 5 बजे आरती की जाती है और शाम को वही 6:30 बजे आरती होती है। तो आप सभी भी आकर यहाँ पर लाइव आरती देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अब मंदिर के पीछे की ओर, तो आप सभी भी सोच रहे होंगे मैं मंदिर के पीछे क्यों जा रहा हूं, तो चलिए मैं आपको वहीं का नज़ारा दिखाऊंगा। भाई प्रसाद, आप सभी यहां सोच रहे होंगे यहां पर टेंट क्यों लगा है, तो मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर काफ़ी तरह के लंगर होते हैं। तो ये देखिए यहां पर कल्याणी कैटरस है, तो यहाँ पर आप चाहे तो अपनी मन्नत के हिसाब से यहाँ भंडारा करवा सकते हैं। यहाँ सबका रेट लिखा हुआ है, कितने में आपको क्या मिलेगा और कितना आप भंडारा करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूड़ी सब्जी बनाई जा रही है, आप सभी यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी बनवा के बंटवा सकते हैं। यहाँ पर एक ही कैटरस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कैटरस हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कीजिए और आप अपने हिसाब से यहाँ पर भंडारा करवा भी सकते हैं और भंडारा खा भी सकते हैं। तो ये देखिए लाइन लगी हुई है भंडारा खाने वालों की। देखिए आप सभी यहाँ पर भी भंडारा हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर भंडारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कैटरस हैं जहाँ भंडारा किया जा रहा है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं टैटू बनाया जाता है, यहाँ पर मेहंदी की भी टैटू बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने छाता लगा लिया, हम इनकी वीडियो बना रहे थे तो, और मैं बताऊंगा इन्होंने छाता क्यों लगाया है। वैसे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने भी मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं।
और हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ वो मुंह क्यों छुपा रहा था। वैसे इन लोगों के पास यहाँ पर दुकान लगाने का परमिट नहीं है, इसलिए वो मुंह छुपा रहा था, क्योंकि इनका पहले ही काफ़ी लोगों का चालान कट चुका है। वो मुझे सोच रहा था मैं MCD की तरफ से हूँ और इन लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वो अपना मुंह छुपा रहा था। जब तक आप सभी यहाँ पर देखिए, काफ़ी तरह की दुकानें हैं, आप यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ की सारी दुकानें दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या मिलता है, आप सभी देखते रहिए। जब तक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंगूठी हो गई, तावीज़ हो गए, यहाँ कड़े हो गए, यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप सभी भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ देखिए गुप्ता कैटरस है यहाँ पर, और भी कई तरह के यहाँ पर कैटरस हैं, तो आप सभी भी किसी के पास भी अपना भंडारा करवा सकते हैं। यहाँ सब ने अपने अपने रेट लिख रखे हैं, क्या आपको कितने में क्या मिलेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी भंडारे की तैयारी की जा रही है। मैं आप सभी को वैसे यहाँ का लोकेशन बता देता हूँ, ये हमारा काली मंदिर प्रीतमपुरा के पास, नियर बाय रिंग रोड मॉल के पास आपको ये हमारा काली मंदिर मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और आप सभी अपना प्यार और अपना सपोर्ट अपने भाई के ऊपर बनाए रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप सभी यहाँ का नज़ारा देखते रहिए।